ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਰਮਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੜੀ ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਰਮਾਰਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਪਰ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਧਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। पवन बिश्नोई नसीम खान ते मोनू डागर नू न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता गया। मनमोहन मोणा दा पुलिस नू 3 दिनां दा रिमांड मिल गया। जी हां, तुहानू दस दईए मनमोहन मोणा नू दस्या जा रहा है जो खबर निकल के आ रही सी पहलां भी सामने कि मनमोहन मोणा अते लॉरेंस बिश्नोई दा आपसी कनैक्शन है ते मोणा नू बिश्नोई दे सामने बिठा के पुलिस पुछगिछ करना चाहुंदी है। फिलहाल मनमोहन मोणा दा पुलिस नू 3 दिन दा रिमांड हासिल होया। एक बार मुड़ तो तुहानू दस दईए मूसेवाला कतलकांड दे 4 मुलजमां दी अदालत दे विच पेशी हुई है। पवन बिश्नोई नसीम खान ते मोनू डागर नू न्यायिक हिरासत च भेजा गया जबकि मनमोहन मोणा नू पुलिस रिमांड ते भेजा गया। जहां पुलिस रिमांड ते रहेगा 3 दिन दे लई, 3 दिन दा पुलिस रिमांड मिलिया मनमोहन मोणा दे लई जिहदा कि लॉरेंस बिश्नोई दे नाल क्लोज कॉन्टैक्ट दस्या जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। बहादुरगढ़ एसटीएफ टीम नू अज वड्डी सफलता हाथ लगी। सोनीपत तो प्रियव्रत फौजी का साथी शूटर मोहित गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, प्रियव्रत के नाल मिलकर मोहित ने किसी होर कतल की घटना को अंजाम दिता सी। रामकरण गैंग के शार्प शूटर है प्रियव्रत फौजी और मोहित। जी हाँ, तुहानू दस दईए प्रियव्रत फौजी पहले दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल ने अरैसट किया होया सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले के विच ते हुण प्रियव्रत फौजी का एक साथी मोहित फड़िया गया। हालांकि सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच भी इसका की रोल है जां नहीं यह हले जांच का विषय है, पर दस्या ही जा रहा है कि किसी होर कतल की घटना के सिलसिले दे विच मोहित नू फड़िया गया। सोनीपत तो यह अरैसट होया। मोहित ते हरियाणा पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम रख्या होया सी। सोनीपत कोर्ट मोहित नू 2 दिनों के पुलिस रिमांड से भेज दिता। मोहित पुत्र कर्मवीर जो कलानौर का रहने वाला था उसको कल एसटीएफ की टीम ने सोनीपत शहर से गिरफ्तार किया है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जो प्रियव्रत फौजी अरेस्ट हुए हैं उसके साथ भी इनका कुछ ताल्लुक था? बिल्कुल, जो रामकरण भैयापुर है उसी की गैंग से प्रियव्रत फौजी भी बिलोंग करता है, संबंध रखता है, और मोहित जो कलानौर का रहने वाला है ये भी, ये दोनों साथी थे और बिट्टू के फादर की हत्या के मामले में भी दोनों साथ रहे हैं और दोनों ही फरारी में भी करीब करीब 1 साल तक प्रियव्रत फौजी और मोहित ये दोनों एक साथ ही इन्होंने फरारी साथ काटी है। तो सिद्धू मूसेवाला कतल कांड तो बाद लगातार भावें पंजाब होवे जां फिर होवे हरियाणा ते जां फिर होवे दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल लगातार वख-वख ढंग दे नाल गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी का दौर विखाई दे रहा है। गैंगस्टर्स लगातार फड़े जा रहे हैं भावें सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल संबंधित होण जां फिर अगों गैंगस्टर्स दे नाल उन्हां दा कोई ताल्लुक होवे। लगातार पुलिस इस नूं लैके सरगर्म विखाई दे रही है। फिलहाल पंजाब दे विच गैंगस्टरां दे नाम ते फरौती मंगण दा सिलसिला भी जारी है ते हुण साबका डिप्टी सीएम ओपी सोनी दे कोलों फरौती मंगी गई है। जी हाँ, धमकी भरिया फोन कॉल आया ओपी सोनी नू। ओपी सोनी दे कोलों फोन करके 20 लाख रुपए की फरौती मंगी गई है। जी हाँ, तुहानू दस दईए अमृतसर रहिंदे ने ओपी सोनी, साबका डिप्टी सीएम ओपी सोनी दे कोलों 20 लाख रुपए की फरौती मंगी गई है। जो जानकारी निकल के सामने आ रही है 20 लाख रुपए की फरौती ना मिलन से जानों मारन की धमकी दी गई है ओपी सोनी नू। ओपी सोनी की इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फरौती मंगन वाले खुद नू बिश्नोई गैंग दे मैंबर दस रहे ने, यह सूत्र सानू दस रहे ने। हालांकि तुहानू दस दईए वख-वख थावां तो भावें पंजाब होवे जां फिर दिल्ली अजिहियां खबरां धड़ाधड़ निकल के सामने आ रही ने कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे नाल संबंधित लोगों वल्लों धमकियां मिल रही ने फरौती दे लई। हालांकि कि वाकई च बिश्नोई गैंग दे मैंबर फोन करते हैं जां फिर कोई होर गैंग इस चीज़ का फायदा चुक रहे ने, बिश्नोई गैंग का नाम वरत रहे ने, पुलिस हुण इस गल की कोख पड़ताल च भी रुझी हुई है। पर पंजाब दे विच गैंगस्टर वालों फोन कॉल अजिहे किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है ते हुण ओपी सोनी नू निशाना बनाया गया। फरौती दे लई धमकी भरिया फोन कॉल आया ओपी सोनी नू।
ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 180 ਨੰਬਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਦਰ ਕੰਟਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ 387 ਔਰ 506 ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਕਰਦੇ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਸਰਟਨੀ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰੀ ਐਸਾ ਚੈਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਾਲਸ ਹੈਗੀ ਸੋ ਸਰਖੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ SOP ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੇਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਨ ਰਿਕਾਇਰਡ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ FIR ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ SHO ਮੈਡਮ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ DSP ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ